Hey guys, how are you? This is me and you are watching my channel, Imgur Reaction Channel. So today, आज की वीडियो जिसमें मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, जी रिबिका खान का न्यू व्लॉग है और इस व्लॉग पे मैं रिएक्शन करने वाला, क्योंकि जी बर्थडे का व्लॉग है जो उन्होंने गिफ्ट देना था अपने फादर को, वो शी वाज सो कन्फ्यूज अबाउट द गिफ्ट. सो उन्होंने क्या गिफ्ट बाय किया इस वीडियो में देखते हैं और आपने मेरे साथ रहना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. सो गाइस लेट्स चेक इट आउट. गो हाय एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल. 3, 4, 2, 1, गो. ये सबसे स्पेशल व्लॉग मैं आप सबको मैं वेलकम करती हूँ, क्योंकि सरप्राइज व्लॉग हमने देख लिया है, बट जो पूरी प्लानिंग हुई है, जो सारी चीजें हुई हैं, उसका व्लॉग आप लोगों ने अभी नहीं देखा है. मैंने पहले सोचा कि सरप्राइज से पहले वो मैं अपलोड कर दूं, बट अगर वो मैं अपलोड कर देती तो डेफिनेटली बाबा को पता चल जाता और आप लोगों को भी पता चल ही जाता. तो इसलिए मैं चाहती हूं कि जब सारी चीजें डन हो जाए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ डन हो गया था, बट जो भी प्लानिंग वाला व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने लगी हूं. आप लोग वो व्लॉग जरूर देखेगा, यू गाइस विल डेफिनेटली लव इट. प्लीज प्लीज से माशाल्लाह हर चीज में. बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह जरूर कहा करें, जब भी कोई किसी की वीडियो देखें, किसी का व्लॉग देखें या कोई भी चीज़ ऐसी जो आप लोगों को पसंद आए, ताकि कहते हैं कि ना बुरी नज़र से बचना चाहिए. जी बिल्कुल, शे माशाल्लाह फॉर रिएक्शन एंड रबीका जी का व्लॉग. जी लेट्स मूव ऑन. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. चलिए चलकर देखते हैं कि रबीका, काशिफ खान, खुरैम खान, जरी खान, जैम खान, मही खान, इन सब ने मिलकर कैसी प्लानिंग की है, किस किस तरह से. तो चलिए लेट्स गो. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, मैं अंदर जाके आपको बताऊंगी हम कहां पहुंचे हैं. दिस इज गूगल. नो इज हियर. वी आर सो एक्साइटेड. यस वी आर. गो फॉर द बेस्ट. वी आर सो एक्साइटेड, हैप्पी, स्केयर्ड एंड नर्वस एट द सेम टाइम. So here we are, guys. Oh my God! गाड़ी खरीदने लगे. सरप्राइज जो है वो एंड होता है, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बाबा के लिए जो मोस्ट स्पेशल सरप्राइज जो मैं प्लान कर रही थी इतने टाइम से, और मैं बहुत यू नो मैंने बहुत मेहनत की इस चीज के लिए कि बस कर लूँ, मैं बस कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक आधा काम हो चुका है. जो सब कुछ मैंने प्लानिंग वगैरह की थी वो काफी हद तक आज का मेकअप रबीका जी का अच्छा लग रहा है. आई होप कि आगे भी बहुत अच्छी जाएगी. थैंक यू सो मच. इनको कैसे पता मैं पेप्सी पीती हूँ. ये पकड़ लीजिए. काफी हद तक बहुत अच्छी जा रही है. अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने पूरी तो कहानी बता दी, आखिर सीन क्या है. भाई गाड़ी. सीन कुछ ऐसा है कि बाबा के लिए मैंने आज हम तीनों बताएंगे बाबा के लिए हम बच्चों ने गिफ्ट प्लान किया है. बी आर वी. यार ऐसे बच्चों पे फख्र होना चाहिए जो अपने माँ बाप को मतलब इतने बड़े बड़े सरप्राइज देते हैं. वैसे भी आपको मेहनत करनी चाहिए, जो बच्चा मेहनत करता है एक ना एक दिन अपने माँ बाप को ऐसा ही सरप्राइज देता है. तो मतलब मेहनत करोगे तो हर एक चीज़ पालोगे, यही सबसे बड़ी कामयाबी है एक एक बंदे की. तो इन बच्चों की यही सबसे बड़ी कामयाबी, इतनी मेहनत करते हैं व्लॉग बनाने में. और बेसिकली देखा जाए ना तो जो भी काम करो आप, चाहे ये व्लॉग ना बना, चाहे कुछ भी करो, दुनिया में कोई भी काम करो, तो उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है. सो मच हार्ड वर्क आपको बहुत सारा रिवार्ड देगा. पिछले साल से मेरी प्लानिंग चल रही है कि इंशाल्लाह 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 बाबा की बर्थडे जब आएगी, जब मैं डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल ट्राय माय बेस्ट कि मैं बाबा को बर्थडे में बी आर वी गिफ्ट करूँ, जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी कर दूँ. और व्हाइट कलर बाबा को बहुत पसंद है. बेसिकली इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं. आज मैंने बाहर मैरून और मैरून भी है, ग्रेफाइट है, ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लैक था हमारे पास फोटेज है. तो मैं ऐसा सोची थी कि हम व्हाइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि व्हाइट जो था बहुत मजे का कलर लगता है, बहुत एलिगेंट लगता है. और जब बीआर भी आ जाएगी ना, फिर हम लोग रोड ट्रिप पे. सही बात है, मतलब प्लानिंग तो बहुत सारी है, बस दो तीन काम है, दो तीन चीजें जो कि अभी पेंडिंग है. चलिए मैं आप लोगों को गाड़ी दिखाती हूं. ओके ग्रेट. हियर इज द कार गाइस. माशाल्लाह. आर भी याद आ गया. वाला और भी गाड़ियाँ तो हैं, लेकिन ये एच आर
यार आप अभी उस गाड़ी की बात करें जो बाबा को गिफ्ट करनी है, अभी लोगों को वो दिखानी है। ये है BRV और समझे पूरी फैमिली कार है, दो पीछे आराम से आ सकते हैं, दो आगे आ सकते हैं, कार की क्वालिटी और वो भी हुंडई की, 7 सीटर गाड़ी है ये, इजीली हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। दिस इज द सिल्वर कलर गाइस, बट सिल्वर इज नॉट लुकिंग दैट मच कूल जिस तरह हम यू आर से टुवर्ड्स द वाइट कलर, कि हम वाइट पे जाएं एंड आई होप कि वाइट भी अच्छा, वाइट यहां पे है, वाइट आई गेस सुपर है। अभी हम दिखाएंगे, कोशिश करके आप लोगों की वाइट ही दिखा सके, बट ये कार है जो हमने बुक करवाई है। सो या मैंने सोचा आप लोग को अंदर बैठ के भी दिखा दूं। ओए होए, इतने मजे की स्पेस है ना गाइस कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरा मजा ही आ जाए इंसान को। मजा तो जब लग्जरी आइटम में बैठेंगे तो मजा तो जरूर आएगा। जब ये गिफ्ट बाबा को मिलेगा उस वक्त बाबा थोड़ा बहुत गुस्सा होंगे, एक मिनट, थोड़ा बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन भाई गिफ्ट को देख के कौन गुस्सा होता है, अच्छा फील होगा। और मैं उनके पास रिएक्शन के लिए वेट कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है, मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी बताया था कि बाबा के लिए गिफ्ट जो है अभी बाकी है, गिफ्ट अभी बाकी। वैसे तो मुझे 17 को ही देना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा शूट था तो मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा कि गिफ्ट तो गिफ्ट है, कभी भी दे दो, अगस्त के मंथ में बर्थडे आती है तो अगस्त की किसी भी डेट को दे दो। सो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम भाई इस गिफ्ट के लिए, तो महीने का भी वेट कर ले तो लेने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जितना टाइम लग रहा है लगने दो, बस काम अच्छा हो जाए, जो मैं चाह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही हो जाए। कहाँ पे है लाइट? पूरी वाइट। ओके, मैं बिल्कुल शूट से आ रही हूँ, सुबह 8 बजे से गई हुई थी, 8 बजे से लेके 3 बजे तक मैं फ्री हुई हूँ। घर पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे 5। जैसे ही मैं घर गई हूँ फौरन मैंने ड्रेस चेंज किया, लेंस उतारे, फेस वॉश किया, बस हल्का हल्का ब्लश टिंट लिपस्टिक लगा के आ गई हूँ इधर, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं था इतना, सो के जो काम है वो पूरे अच्छी तरीके से हो जाए। दिस कार इज ऑल्सो वेरी 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 क्लासी गाइस। मुझे ये HRV देख के मेरा दिल ऐसे बाहर आ गया, क्योंकि सच में बहुत क्लास की गाड़ी है। पहले हमने सोचा कि HRV ले लें, बजट के लिहाज से सब गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, ब्लैक में ही ज़्यादा क्लास लगी थी और स्पोर्टिस हमारे पास है, और हमें जो है बाबा की फेवरेट गाड़ी लेनी थी तो इसलिए हमने BRV चूज़ की है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन आएगा मैं HRV भी लूँगी। प्लीज़ 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 ये वीडियो देखे माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि नज़र इज़ सो रियल गाइस। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। बेसिकली सीन ऐसा हुआ है गाइस कि मैं शूट पे थी बाबा के साथ, बाबा को हमने छोड़ा घर पे, हमने बोला कि एक मीटिंग है एक ब्रांड के साथ तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो वो जो मीटिंग थी ना वो ये वाली मीटिंग थी, और बाबा हैव नो आइडिया, होंडा की मीटिंग है। एग्जैक्टली, बाबा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं, बाबा ने सोचा भी नहीं होगा। सो आई एम डैम श्योर कि बाबा विल लव दिस, व्हाई नॉट, डांट ना दे, मुझे डर लग रहा है। मैंने बोला लोगों को कि थोड़ा सा डांट दूंगी जरूर, लेकिन मुझे डांटेंगे तुम लोगों से नहीं डांटेंगे, बोलेंगे मुझे बताया क्यों नहीं। हाँ, क्योंकि खुरैम हमारे घर में बड़ा भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके पेट में कोई बात नहीं रहती। ये जितनी मुश्किल से मैंने ये बात टिकाई है ना, आपकी सोच है, मुझे बताया है से वैसी बोला था कि हम ऐसा करेंगे, हाँ कसमें दी है मैंने, इसलिए रुका पर नहीं जाके कब का बता चुका होता, बट बाबा को आइडिया नहीं तो इसलिए बाबा ने पूछा भी नहीं, वरना बाबा पूछते तो डेफिनेटली बता चुका होता। खैर अरे गाड़ी दिखा दो। काशी भाई के बच्चे मेरे पास आए थे, मेरे बच्चों की तरह, तो इन्होंने एक अपना बजट मुझे बताया 7 सीटर का, तो माशाल्लाह फिर इसके लिए हमने सारी कार्रवाई की, बच्चे भी देखते इन्होंने देखा, गाड़ी पसंद भी कर ली, और एक आइडिया आया, बच्चों का आइडिया था, खासकर रुबेका का आइडिया था कि अब्बू को सरप्राइज देना है, तो फिर वो गाड़ी मैंने अपने शोरूम में मंगवाई, और काशिप को पता नहीं था, जबरदस्ती रहे, भाभी भी मेरी बहन आई, सब आए, बच्चे हैं, काशिप को कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, तो उसके बाद हमने जो सरप्राइज दिया है काशिप भाई को, तो थोड़ी देर वो भी हिले, पहले कह रहे कॉमेडी तो हम लोग करते हैं, भाई से भर के रहे बस में, तो कहते कहाँ ले जा रहे हो, मैंने कहा तुम्हें मंगवा कह रहे, हमने ब्लाइंड फोल्ड बांधा हुआ था, तो माशाल्लाह अल्लाह काशिप भाई को, उसकी फैमिली को और हमारी फैमिली को आपस में एक से ज्यादा मोहब्बत की, हम लोग आपस में जिंदगी में इत्तेफाक रखे। देखिए आप लोगों ने ब्लॉग कैसा लगा, सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जाके बताओ कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। हम लोग अंडा के शोरूम पे गए छुपा के, जैसे तैसे हमने प्लानिंग की है, दोस्त ने बहुत ज्यादा हेल्प की है हमारी, हमने बस उनको कहा है और उन्होंने सारी चीजें यू नो चुटकी में मैनेज कर ली थी। हमने उनको कहा कि बाबा को 1% भी शक ना हो, और 1% भी शक नहीं हुआ था। लोगों का बहुत ज्यादा कंसर्न है कि
टोयोटा के शोरूम में BRV क्या कर रही है, होंडा की गाड़ी क्या कर रही है। तो भाई अगर हम होंडा के शोरूम में कुछ करते, बाबा को वहाँ पे कोई फ्रेंड था नहीं, वो कैसे बुलाते कॉल करके, हम किस तरह से सरप्राइज देते, तो इससे बहुत मुश्किल हो जाता। सरप्राइज दे रही है भाई। तो इसकी वजह से सेटअप करवाया, कॉल करके अचानक से बुलवाया, वो तो आप अपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा किस तरह से बुलवाया, कॉल भी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। तो बहुत ही अचानक से बुलाया और अचानक से ये सरप्राइज हो गया, बहुत इमोशनल था लिटरली। जो वीडियो बनी वो देख के मुझे रोना आता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हमेशा मैं कहती थी, अच्छा इसके लास्ट वीडियो वाला मिला, अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा है, जो जो ख्वाहिश की अल्लाह ताला ने सब पूरी की है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी मोहब्बत है, आप सबका प्यार है, आप सबकी दुआएं हैं, दुआएं बहुत मैटर करती हैं गाइस। प्लीज दुआ में हमेशा 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 याद रखा करें, आप सब भी मेरी दुआ में हमेशा होते हैं। तो बस इसी तरह प्यार करते रहिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे भी बड़े बड़े काम हम करते रहेंगे साथ में। बस आप लोग के साथ की जरूरत है और ऑफकोर्स मेरे माँ बाप तो मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो कि मुझे हर टाइम हर जगह मोटिवेट करते हैं, हर जगह मेरा साथ देते हैं, हर जगह यू नो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, कभी मैं परेशान होती हूँ तो मेरे साथ खड़े रहते हैं। माँ बाप से कोई भी नहीं होता यार, सीरियसली गाइस, जो साफ और सीधी बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ताला सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे, सलामत रहे, और इसी तरह से जिंदगी में खुशियां आती रहे, हम आगे बढ़ते रहे, कामयाब होते रहे, और ये दिन अल्लाह ताला हर औलाद को दिखाए, यही दुआ है, हर औलाद अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करती रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोग भी यकीनन एक ना एक दिन जरूर करेंगे, आप लोग के भी ख्वाब जरूर पूरे होंगे। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, माशाल्लाह बोलना मत भूलिएगा, माशाल्लाह मिलबल लव यू, टेक केयर गाइस। इनका ये व्लॉग और इनका मतलब इतनी एफर्ट उन्होंने दिखाई कि मतलब हमने गाड़ी अरेंजमेंट कैसे की है, ये व्लॉग था बेसिकली, जो सरप्राइज़ था वो पिछले वाला व्लॉग था जो कि मैंने नहीं देखा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हम देखेंगे ज़रूर व्लॉग आपके साथ मिलके, और आज का व्लॉग अच्छा लगे तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएँ, वो रेड वाला बेल, जो रेड वाला बटन और बेल आइकन प्रेस कर लो, और जितना भी हो सके ये जितनी भी वीडियोस आप देख सकें हमारे मेरे चैनल पे वीडियोस देखो। आई नीड योर लव, नीड योर कोऑपरेशन, सो थैंक यू सो मच। आज के लिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले व्लॉग अगले रिएक्शन में, तब तक अपने प्रीवियस व्लॉग और रिएक्शन को ज़रूर देखना है। सो अपना ख्याल तौर पर अपना ख्याल रखना, इन दिनों में बच्चों को बोडेंगी हो रहा है यार गाइज, तो खुद को भी ख्याल रखना अपने। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।